सो गाइस हमारे पास आज है 2024 की ऑल न्यू सुजुकी जिक्सर 150 का बिल्कुल ही लेटेस्ट वेरिएंट, और आज आपको इस वीडियो में इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल रिव्यू देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है बात करेंगे बाइक का जो प्राइस है, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको निकल के आ जाता है 174,920 रुपये। तो ये इसका ऑन रोड प्राइस है अगर आप इस बाइक को परचेज़ करते हो कैश में। अगर बात किया जाए बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो क्या है, तो वो आपको मिल जाएगा 141,336 रुपये। बाकी जो इसका RTO चार्ज है वो आपको मिल जाएगा 16,634 रुपये का, और इसका जो इंश्योरेंस का प्राइस है वो आपको मिल जाएगा 13,500 रुपये का। और इसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है अगर आपको वो बढ़वानी है, 5 साल करवानी है, तो उसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 1,100 रुपये। साथ ही इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको निकल के आएगा 174,000 रुपये। और अगर आपको ये बाइक परचेज़ करनी है तो आपको ये मिलेगी कहाँ, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा ये शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं ये शोरूम है प्रयागराज रोड पे, जो कि पड़ता है जोगापुर में और प्रतापगढ़ में है, और प्रतापगढ़ में अब ये शोरूम खुल चुका है शान सुजुकी नाम से, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप देख सकते हैं। खैर इसे करते हैं साइड में, अब बात करते हैं इस 2024 नई जिक्सर के बारे में। तो इसका जो पूरा फ्रंट लुक है वो आप चेकआउट करो। बाइक में आपको मिल जाता है फुली LED का हेडलैम्प, जो कि आपको मिलता है ट्रिपल पार्ट में डिवाइड LED का आपको पूरा हेडलैम्प मिलेगा। DRL कंपनी कोई भी ऑफर नहीं करती है, लेकिन DRL होता तो लुक और भी ज़्यादा निखर के आता। बाइक के जो ब्लिंकर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं हेलोजन के, और ये ब्लिंकर्स फ्लेक्सिबल हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो लाजवाब है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो बाइक की क्वालिटी है, बॉडी पैनल्स की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी बेटर है। आपकी बाइक का जो नंबर प्लेट है वो आपको इधर प्लेस हो जाएगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड रहने वाली है। और बाइक का जो फ्रंट मिडगार्ड है वो आपको मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक में, जिसमें कि आपको मिल जाता है आगे के साइड सुजुकी की ब्रांडिंग, जो कि आप देख सकते हैं, और ये एक ब्रांडिंग ग्राफिक वर्क में रहने वाली है। जो फ्रंट फेंडर है, जो मिडगार्ड है, वो आपको काफ़ी छोटा मिलेगा। बाकी जो बोल्ट्स हैं वो आपको LNK के साथ देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपको मिलने वाला है टेलीस्कोपिक का, जो कि आपको काफ़ी वाइड मिलेगा, जिससे कि आपकी बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। और फ्रंट में आपको मिल जाते हैं बाइब्रे ब्रांड के डुअल पोर्ट ब्रेक कैलिपर, और जो फ्रंट डिस्क है वो आपको मिल जाएगी काफ़ी बड़े साइज़ की, जो कि लगभग आपको 280 mm के आसपास तक की मिलने वाली है। इधर आपको मिल जाएगी ABS की रिंग, जो कि आप देख सकते हैं, और इससे जो है आपकी गाड़ी को काफ़ी सेफ वगैरह हो जाएगा बरसात वगैरह में। फ्रंट का जो टायर है वो आपको मिल जाता है MRF ब्रांड का, और जो प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगी 180/17 की, और ये टायर्स आपको मिल जाएंगे ट्यूबलेस, तो जो पहचान है ट्यूबलेस की वो आप देख सकते हैं। बाकी जो एलॉयस हैं वो आपको मिलेंगे मैट ब्लैक में, जिस पे कि आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स नियॉन कलर के। ये इस गाड़ी का सबसे ट्रेंडिंग कलर रहने वाला है। बाकी जो बाइक का इंजन है वो आपको मिलेगा 155 cc का, और इसका जो माइलेज है वो निकल के आएगा लगभग 52 के आसपास का, और बाइक की जो स्पीड है वो आपको 128 या 130 के आसपास तक की देखने को मिल जाएगी। बाकी जो है कंपनी इस गाड़ी में आपको कोई भी अभी इंजन कॉल वगैरह नहीं देती है, गाड़ी जो है आपको 5 गियर के साथ मिलती है। साथ ही इसमें आपको मिलता है सिर्फ सेल्फ स्टार्ट, कोई भी किक का ऑप्शन नहीं आता है। जो क्वालिटी है इंजन की वो काफ़ी बेटर है, स्मूथनेस काफ़ी बेटर है। 5 साल से मैं भी सुजुकी की जिक्सर को ओन कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है। बाकी भाई जो कन्वर्टर वगैरह वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इंजन का लुक है वो आप एक बार देख लो। और भाई इसमें अभी लेग गार्ड नहीं लगा है, लेकिन वो लग के आता है, वो भाई इसी प्राइस में रहेगा जो मैंने आपको बताया ऑन रोड। बाइक का जो टैंक है इस पर आपको ये काफ़ी शार्प टैंक फ्लैप मिलेगा, जिस पे कि आपको जिक्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी ग्राफिक में, और जो ये X वगैरह लिखा है तो ये आपको मिलेगा नियॉन ग्रीन में, कह चाहे नियॉन येलो कह लो, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करा देगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स ग्रे कलर के, जो कि आप देख सकते हैं, और ये पूरी गाड़ी आपको ग्लॉस टैंक फ्लैप के साथ मिलने वाली है। साइड के जो पैनल्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग ESP की,
जो कि भाई आप देख सकते हैं भाई ESP नहीं, वो होंडा में होता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्रांडिंग SEP की, जो कि भाई फुल फॉर्म है सुजुकी इको परफॉर्मेंस, तो इसका ये पूरा फुल फॉर्म है। बाकी भाई यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक के मिल जाते हैं लॉक्स, जो कि ये 3-4 रुपए के आते हैं भाई। नट बोल्ट थोड़े से ख़राब लगते हैं। जो बीच का पार्ट है ये आपको मिलेगा मैट ब्लैक में, जो कि आपको ये एयर वेंट्स टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि भाई जो गर्मी है इंजन की वो थोड़ी सी बाहर निकले, लेकिन ये प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एलन की के बोल्ट्स। बाकी भाई जो साइड पैनल है ये आपको मिलेगा थोड़ा सा पार्ट मैट ब्लैक में ऊपर के साइड आए। तो बाइक की जो सीट है वो आपको मिल जाएगी स्प्लिट की, जो कि ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। जो कुशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, तो आप कुशनिंग वगैरह देख सकते हैं। बाइक के जो ग्रैब रेल्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं स्प्लिट के। और अगर पीछे के साइड आए तो इसमें जो भाई कुछ ऐसी आपको मिल जाती है LED की टेल लाइट, जो कि ये काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, पीछे से काफ़ी शार्प है। और जो पीछे का सी फेंडर है वो आपको काफ़ी शॉर्ट में मिलेगा, जिसमें कि आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स साइड में, और पीछे भी आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर। बाकी जो नंबर प्लेट है वो आपकी इधर प्लेस होगी। आपको इधर भी कुछ ऐसे मिल जाएंगे ब्लिंकर्स, जो कि ये हैलोजन के हैं, LED के नहीं हैं। ऊपर आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग सुजुकी की, जो कि ये ग्राफिक वर्ग में रहने वाला है। अब आते हैं बाइक के स्विचेस पे। तो इसकी जो स्विचेस हैं वो अगर आपको हम दिखा दें, तो इसमें इधर आपको मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट, इंजन किल स्विच वगैरह। ये सेल्फ स्टार्ट है, ये इंजन किल स्विच ऑन ऑफ है। बाकी भाई जो मास्टर सिलेंडर है ये आपको काफ़ी मिलेगा प्रीमियम, और जो एंड बार वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे प्लास्टिक के। थोड़ी की जो क्वालिटी है ये काफ़ी बेटर है। इधर आएँ तो इधर आपको मिल जाता है हॉर्न, इंडिकेटर, पास, अपर डिपर का स्विच, और बाइक का जो मीटर कंसोल है वो आपको मिल जाता है फुली डिजिटल, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे नेविगेशंस मिल जाते हैं। और इसका भाई जो की स्लॉट है वो आपको इधर मिलेगा, और बाइक का जो हैंडल बार है वो आपको सिंगल पीस में देखने को मिल जाएगा। इधर आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग E20 की। जो फ्यूल कैप है वो आपको मिलेगा राउंड शेप में। बाकी भाई इस गाड़ी में आपको मिल जाता है राइड कनेक्ट, जो कि भाई ये एक एडिशन है लिखा हुआ, लेकिन इसमें आपको मोबाइल फ़ोन की मिलेगी कनेक्टिविटी। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग्स मिल जाती हैं। और बाइक का जो लुक है वो आप इधर से एक बार देख सकते हैं। इधर से भाई अगर आपको दिखाएं तो बाइक का जो इंजन है वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ये इंजन भाई करीब करीब इस गाड़ी में करीब भाई मैं जब से जानता हूँ तो 8 साल से तो मैं ये इंजन देख रहा हूँ। उससे पहले नहीं आता था मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं अपने सामने इस इंजन को इतने साल से देख रहा हूँ। बाकी जो भाई गाड़ी में आपको सिंगल स्टैंड डुबल स्टैंड दोनों मिल जाएगा, और ये गाड़ी आपको मिल जाती है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच के साथ। और बाइक की जो चेन है वो आपको ओपेंड मिलेगी, जो कि चेन की भी लाइफ काफ़ी बढ़िया है भाई। अभी तक मेरी गाड़ी में चेन प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब भाई जल्दी जल्दी आपको टाइट करने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो फुटेजेस हैं राइडर के और पिलियन के, ये दोनों आपको मिलेंगे फोल्डेबल। साथ ही बाइक्स में आपको कुछ ऐसा बड़ा सा साड़ी गार्ड मिलता है, और बाइक्स में आपको मिल जाता है लेडीज़ फुटरेस्ट, जो कि आपका यहाँ पर फिट होता है, तो वो आपको लगवाना पड़ेगा अलग से भाई। वो करीब 100-150 रुपये का आता है। तो बाइक का जो पूरा लुक है वो आप एक बार चेकआउट कर लो हर एक एंगल से, कि ओवरऑल जो है ये जिक्सर नेकेड वाली कैसी लगने वाली है। तो भाई अगर आपको भाई ये बाइक परचेज़ करनी है तो आप शोरूम पे कॉल वगैरह कर लेना भाई। यहाँ पे आपको सुजुकी की हर एक बाइक मिल जाएगी, आपको भाई जिक्सर नेकेड भी मिलेगी, और आपको जिक्सर फेयर SF भी मिल जाएगी भाई। ये 150 है, बाकी 250 वगैरह भी आपको भाई लेना हो, या भाई कोई स्कूटी लेना हो तो आप लोग कॉल वगैरह कर लेना। बाकी यहाँ जो वीडियो है लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।